नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ओरियो बिस्किट सभी को बहुत पसंद होते हैं, खासकर बच्चों को। तो आज मैं ओरियो बिस्किट के मिल्क शेक बनाऊंगी। तीन तरह के बनेंगे ये, तो थोड़ा आइसक्रीम और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर करके हम ये चॉकलेटी मिल्क शेक बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने 3 गिलास दूध लिया है और 2 पैकेट ये ओरियो बिस्किट लिए हैं। तो चॉकलेट वाले बिस्किट आप वनीला भी ले सकते हैं। और इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ से हम तोड़ लेंगे, क्योंकि इन्हें हमें मिक्सर ग्राइंडर में चलाना है। तो थोड़ा सा आप क्रश कर लीजिए। थोड़ी बर्फ़ लेंगे और आइसक्रीम लेंगे वनीला फ्लेवर की। तो आइए पहला मिल्क शेक बनाते हैं हम। तो हम थोड़े बिस्किट डालेंगे इसमें, 1 ग्लास के अकॉर्डिंग 5 से 6 बिस्किट, 3-4 बर्फ़ के आइस क्यूब डालेंगे और इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे, जितना हमें मिल्क शेक बनाना है। और एक इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी, तो एक कॉफ़ी फ्लेवर का मिल्क शेक बनाएंगे। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा हम आइसक्रीम डालेंगे तो वो भी मीठी है और बिस्किट में भी मिठास है, तो सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालेंगे। तो इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा कॉफ़ी वाला फ्लेवर वाला मिल्क शेक तैयार है ओरियो बिस्किट के साथ। तो दूसरे मिल्क शेक में देखिए, हम थोड़े बिस्किट डालेंगे, भाई 5 से 6 बिस्किट। थोड़ा हम बर्फ़ के आइस क्यूब लेंगे, 1 गिलास दूध डालेंगे और ये 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1 चम्मच आइसक्रीम। अब इसमें हम डालेंगे बहुत सारा चॉकलेट सॉस, तो ये चॉकलेट फ्लेवर का बनेगा, तो डबल चॉकलेट हो जाएंगे, बिस्किट में भी चॉकलेट है। तो ये दूसरा हमारा चॉकलेट वाला मिल्क शेक बन के तैयार है। और देखिए, तीसरा हम बनाएंगे बिल्कुल नॉर्मल, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ओरियो का फ्लेवर आएगा। तो दूध और बर्फ़ डालेंगे, बिस्किट डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच आइसक्रीम। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए, तीसरा भी मिल्क शेक हमारा तैयार है। आप अलग अलग फ्लेवर से बच्चों को बना के पिलाइए और आप भी पीजिए। तो लास्ट में देखिए, हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे ऊपर से, और कॉफ़ी वाले में हम थोड़ा सा कॉफ़ी डालेंगे ऊपर से, चॉकलेट डालेंगे चॉकलेट सॉस वाले में, और तीसरे में हम ओरियो बिस्किट डालेंगे। तो इस तरह से तीनों मिल्क शेक हमारे बन के तैयार हैं। बहुत ईजी रेसिपी है।